व्हाट्स अप दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे RC200 BS6 वर्सेस RC125 BS6 वेरिएंट। तो इन दोनों बाइक्स की जो डिज़ाइन स्कीम है वो बिल्कुल सेम है। असल में जो सारी आरसी सीरीज़ है उसकी डिज़ाइन स्कीम आपको सेम ही मिलेगी, लाइक उसकी फेयरिंग डिज़ाइन, उसके चेसिस और व्हील्स और सस्पेंशन। लेकिन जो RC200 है और जो RC125 है, ये आप कह सकते हो एक बिगेनर्स बाइक है। RC200 को तो वैसे हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक ये बिगेनर स्पोर्ट्स बाइक में ही आती है। लेकिन जब एक न्यू बाइक लेता है, मतलब एक जो कोई नई बाइक लेगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि RC200 और RC125 में, क्योंकि आपको RC125 में एक रिफाइंड इंजन मिलेगा, ज़्यादा बेहतरीन माइलेज मिलेगी, लेकिन डिज़ाइन स्कीम आपको सेम मिलेगा। वहीं RC200 में आपको डिज़ाइन सेम मिलता है, लेकिन इसकी जो पावर है वो काफ़ी अच्छी है। जो RC200 की जो मैक्सिमम पावर है वो 25 BHP और 19 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। जो RC125 की पावर है वो 14.5 न्यूटन BHP की पावर और 12 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। जो RC125 की टॉप स्पीड है वो है 126 और 200 की है 138 किलोमीटर पर आवर। तो मेनली जो भी बाइक लेते हैं, 80% लोग सिटी में ही राइड करते हैं। तो सिटी राइड्स के लिए आपको कौन सी बाइक सफिशिएंट रहती है, इस बारे में कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम RC200 लें या 125 लें। जब फाइनल कंक्लूजन उनका हो जाता है, तो फिर वो कहते हैं भाई हमें पावर नहीं चाहिए, हमें तो बस डिज़ाइन चाहिए और हमें तो स्लो ही चलानी है, 60-70 पर ही चलानी है। लेकिन कुछ होते हैं कि भाई जिनको थोड़ी सी पावर चाहिए, हाईवे पर थोड़ी सी मतलब बेहतर स्पीड चाहिए, क्रूजिंग स्पीड चाहिए, और जो कि थोड़ी कंपेयर मतलब जो भी कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सके। जो RC200 है वो एक सिटी बाइक तो है ही, लेकिन हाईवे पर ये आराम से क्रूज कर लेती है 100-110 के बीच में। जो इसकी टॉप स्पीड है वहीं इसकी 138 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। अगर हम बात करें इसके कंपटीशन में, तो RS200, R15, V3 जैसे कोई भी कंपटीशन ले लो, ये पिकअप में बिल्कुल जो एकदम गोली की तरह जाती है। जो KTM की बाइक हैं वो हर एक अपने सेगमेंट में पिकअप में हमेशा तेज ही होती हैं। इवन वो अपने पिकअप से ज़्यादा ही मतलब अपने सीसी से ज़्यादा बाइक को भी जो पीछे छोड़ देते हैं। जो RC200 है उसका जो प्राइस है यहाँ पर लगभग 2.35 का है, और जो RC200 और 125 का जो प्राइस डिफरेंस है वो 30,000 से 40,000 के बीच में है, जिसमें आपको बस एक 10 BHP पावर ज़्यादा मिलती है और डुअल चैनल ABS प्लस सुपर मोटो मोड देखने को मिलता है। वहीं अगर हम RC125 के बारे में बात करते हैं, इसकी टॉप स्पीड है 126 और ये क्रूज कर लेती है 80-90 की स्पीड के बीच में। इसकी माइलेज भी जो अच्छी है, क्योंकि इसकी पावर भी जो कम है। इस बाइक में जो है आपको रिफाइनमेंट ज़्यादा मिलेगी, इंजन में वाइब्रेशन कम मिलेंगे, बॉडी पर भी आपको वाइब्रेशन कम फील होंगे। प्लस एक ये बिगेनर फ्रेंडली बाइक है, आपको इतनी ज़्यादा पावर नहीं मिलती कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओ। इसमें आप ठीक ठाक सी पावर है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा है भाई, ठीक है। ऐसी नहीं है कि RC200 जैसे कि बिल्कुल ही अग्रेसिव बाइक है, कोई कंट्रोल ना कर सके नया बंदा, तो उसके लिए RC125 काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें माइलेज के बारे में, तो RC200 में जाहिर है पावर ज़्यादा है, तो माइलेज आपको हल्की सी कम मिलेगी, 7-8 किलोमीटर का डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा। जो ओनर्स रिव्यू देते हैं माइलेज का, तो लगभग 28-30 KMPL की जो माइलेज आराम से दे देगी। जो RC125 है वो 38-40 KMPL इन सिटी, दोनों में सिटी के ही इतनी माइलेज आराम से जो दे देती हैं। जो माइलेज है वो राइडर के राइडिंग स्टाइल एंड राइडिंग कंडीशन पे डिपेंड रहता है। आप जिस तरह बाइक को चलाते हैं, क्या आपकी कंडीशन है, कैसे आप बाइक को मेंटेन रखते हैं, उस तरह से आपकी माइलेज बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन बात वही है कि भाई कौन सी सिटी के लिए अच्छी है, कौन सी हाईवे के लिए अच्छी है। देखो आप, अगर आपको चलाने 60-70 और आपको चाहिए अट्रैक्शन, आप स्लो ही चलाते हो बाइक को, लेकिन आपको एक RC जैसी बाइक चाहिए, बिल्कुल सेम 200 जैसी, डिज़ाइन स्कीम भी, क्वालिटी भी, सब कुछ, लेकिन इंजन में पावर थोड़ी सी कम आपको चलेगी, तो आप डेफिनेटली ले लो RC125। बेटर माइलेज है, बिगिनर फ्रेंडली है, पावर भी ठीक है, अच्छी पावर है इसमें। जब आपकी बाइक जो 5,000 से 6,000 RPM के बीच में जाती है, तो इसका पावर पंच काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर हम बात करें RC200 की, तो RC200 में लो एंड
और मिड रेंज काफ़ी बेहतरीन है बिल्कुल। एक आपको 0 to 100 जस्ट 8 to 9 सेकंड्स में ये कवर कर लेती है, तो पिकअप इसका बहुत ही शानदार है। लेकिन इसकी माइलेज हल्की सी कम है। हैंडलिंग वाइज, ग्रिप वाइज, ब्रेक वाइज दोनों बाइक सेम है। लेकिन हम ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो RC125 में सिंगल चैनल ABS प्लस RLP आता है। RLP स्टैंड्स फॉर रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। वही अगर हम बात करें RC200 की तो इसमें डुअल चैनल ABS आता है, मतलब जो ABS है फंक्शन करेगा आगे में भी और पीछे में भी। प्लस इसमें ड्यूक 390 की तरह सुपर मोटो मोड आता है जिसमें आप रियर ABS को जो ऑफ कर सकते हैं। तो यही है कि अगर आपको पावर चाहिए ज़्यादा तो भाई ले लो RC200, माइलेज थोड़ी सी कम मिलेगी। अगर आपको बस सिटी में ही चलानी है मेनली तो आप RC125 ले लो। दोनों बाइक अच्छी हैं लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड्स पे चलाते हैं, आप कितनी पावर चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपनी बाइक चूज़ कीजिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो RC200 BS6 वेरिएंट वर्सेस RC125 BS6 वेरिएंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर से दें। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर से कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।